हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने जा रहे हैं साइंस फिफ्थ क्लास की जो एनसीईआरटी के सिलेबस के हिसाब से है, ठीक है ना। उसका फर्स्ट चैप्टर जो है हमारे पास है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, क्या आज हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। क्या होता है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, जब पौधे जो है वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं अपने आप को, मतलब वो आगे अपनी जनरेशन को कैसे बढ़ाते हैं, उसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। सबसे हम पहले हम पढ़ेंगे इसका इंट्रोडक्शन। यू नो दैट मोस्ट प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स। आप सब जानते हो कि जितने प्लांट्स हैं वो ग्रो करते हैं सीड्स से, मतलब ग्रो मतलब होता है ग्रो करना यानी बढ़ना, फ्रॉम सीड्स। सीड्स मतलब क्या होता है, बीज, बीज से, ठीक है ना। व्हाट डू यू थिंक इज प्रेजेंट इनसाइड अ सीड, व्हाट डू यू थिंक, आप क्या जान, आप क्या सोचते हो, क्या प्रेजेंट होता है, क्या मौजूद होता है इनसाइड अ सीड, सीड के अंदर, सीड मतलब बीज के अंदर क्या प्रेजेंट होता है। वी ऑल नो दैट, हम सब जानते हैं दैट अवर अर्थ इज द ओनली प्लानट, कि हमारी जो ज़मीन है वो ऐसा ओनली प्लानट है विच सपोर्ट्स लाइफ, जो लाइफ को हेल्प करता है यानी मदद करता है। हाउ एवर फॉर लाइफ टू गो ऑन, जो जिंदगी जो है वो आगे चलती रहे, ऑल लिविंग थिंग मस्ट प्रोड्यूस वन मोर ऑफ देयर काइंड, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो प्रोड्यूस करें, प्रोड्यूस लिविंग थिंग्स मतलब होता है जानदार चीज़ें, मस्ट होता है ज़रूरी, प्रोड्यूस करना, प्रोड्यूस मतलब पैदा करना, मोर ऑफ देयर काइंड, ज़्यादा से ज़्यादा आप मतलब जैसे वो हैं वो अपने स्पीशीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा आगे क्या करें, प्रोड्यूस करते रहें, ठीक है। जिस तरह से ह्यूमन बींग है वो आगे बच्चे प्रोड्यूस करते रहें, जिस तरह प्लांट से वो आगे प्लांट जो है प्रोड्यूस करते रहें, ताकि जो है जो अगर प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो, अगर मान के चलो ह्यूमन बींग्स प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो फिर वो क्या होता है, पैदा नहीं करेंगे तो उनके जो है वो ख़त्म हो जाएंगी ह्यूमन बींग्स की स्पीशीज़, एक टाइम ऐसा आएगा कि ख़त्म हो जाएंगी इस दुनिया से, ठीक है ना। एग्जाम्पल दैट इज़ दे मस्ट रिप्रोड्यूस, इनको जरूरी से क्या करना चाहिए, रिप्रोड्यूस करना चाहिए। दस दस रिप्रोडक्शन बिकम एन इम्पॉर्टेंट प्रोसेस फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ, इसीलिए जो है रिप्रोडक्शन क्या है, रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जो क्या बना है, इम्पॉर्टेंट प्रोसेस बन चुका है फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए अर्थ के अंदर, जो मैंने आपको पहले ऊपर ही बताया। अगर रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे तो हमारी जो है नस्लें जो है ख़त्म हो जाएंगी और हम जो है ख़त्म हो जाएंगे, इसलिए रिप्रोडक्शन क्या है, ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट प्रोसेस है, अब हमारी जो है जिंदगी जिस अर्थ के ऊपर कंटिन्यू रहे। रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस बाई विच लिविंग बींग प्रोड्यूस यंग वन ऑफ देयर ओन काइंड, रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है बाई विच लिविंग बींग प्रोड्यूस, जिसमें लिविंग बींग जो है जो जानदार चीज है वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, पैदा करते हैं यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड, उनके जैसे, ठीक है ना। लाइक ऑल लिविंग बींग, जिस तरह से सारे लिविंग बींग करते हैं, प्लांट भी प्रोड्यूस करते हैं, प्लांट आल्सो रिप्रोड्यूस, प्लांट क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, मतलब अपनी जो है प्रोड्यूस करते हैं आगे, सो दैट देयर स्पीशीज डू नॉट डाई आउट, ताकि उनके स्पीशीज भी जो है ख़त्म ना हो इस दुनिया से, ठीक है ना। देयर आर टू मैथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, या देयर आर टू मैथड्स हैं जिसमें रिप्रोडक्शन भी होती है प्लांट्स के अंदर, टू मैथड की तरफ से, एक नंबर वन तो फ्रॉम सीड्स यानी बीज से, या तो फिर फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट से भी, ठीक है ना। प्लांट आज हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन फ्रॉम सीड से कैसे रिप्रोड्यूस होता है, ठीक है ना। वाइल रूट्स स्टेम्स आर लीव्स फ्रॉम द वेजिटेटिव प्लांट पार्ट, वाइल होती है रूट्स क्या होता है, जो प्लांट की जो पार्ट होता है ज़मीन के अंदर उसको बोलते हैं हम रूट्स, स्टेम्स होता है जो मोटा वाला पार्ट होता है प्लांट का यानी तना जिसको बोलते हैं हम, और लीव्स होते हैं पत्ते, फ्रॉम द वेजिटेटिव, तो मैं पढ़ा रहा था आपको, वाइल रूट्स स्टेम्स आर लीव्स फ्रॉम द वेजिटेटिव प्लांट पार्ट, जो रूट्स होते हैं, स्टेम्स होते हैं, लीव्स वो क्या बनाते हैं, वेजिटेटिव प्लांट पार्ट, ठीक है ना। फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ न्यू प्लांट, फ्लावर जो होते हैं वो आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ न्यू प्लांट, वो क्या होते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं न्यू प्लांट के। तो